हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनीवन कैन कुक विद अस में। अभी चल रही है गर्मियाँ और बच्चों की चल रही है छुट्टियाँ। बच्चे हमें बहुत परेशान करते हैं कि आज भूख लगी है, कुछ अलग बनाओ। तो हम भी थके हुए होते हैं और हमें चाहिए जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी जो बच्चों को भी बहुत पसंद आए। तो आज हम बनाने वाले हैं बिंगो ग्रिल, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। और अगर आपके घर पे एकदम से मेहमान टपक गए हैं तो आप फटाफट से 10 मिनट में ये रेडी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या। तो बिंगो ग्रिल बनाने के लिए चाहिए हमें 2 छोटे पैकेट बिंगो। अगर अचारी फ्लेवर मिलता है तो अच्छा है, नहीं तो आप कोई सी भी बिंगो चिप्स यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कुरकुरे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, आधा कप मेयो, नमक, मिर्च, थोड़ा सा हमें केचप चाहिए। अगर आपके बच्चे हरी मिर्च खाते हैं तो आप थोड़ी सी हरी मिर्च काट करके डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होगा बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ी सी बिकारी। अगर आपके पास ये दोनों सामान नहीं है तो इसके बिना भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, मेयोनीज, मिर्च, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, केचप, और इसके अंदर हम बिंगो डाल देते हैं। आप चाहे तो ये मिक्सचर फ्रिज में बना के 2-3 घंटे के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, और जब आपकी गेस्ट आने वाले हों जब या फिर आपको बच्चों को सर्व करना हो तब आप इसमें बिंगो डाल के सर्व करके दे सकते हैं। अब गार्निशिंग के लिए इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं और ऊपर से थोड़ी सी भुजिया, और तैयार है हमारी चटपटी बिंगो भेल। तो ये वाला स्नैक बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। बच्चों हो चाहे बड़े, सबको बहुत पसंद आता है। तो जल्दी से बना लीजिए अपनी किचन में। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को लाइक कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।